दोस्तों, सीटेट पास कैंडिडेट्स के लिए बड़ी ही अच्छी, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से जारी कर दिया गया है। प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए वैकेंसी आई हुई है। पीजीटी और प्रिंसिपल के लिए तो आवश्यकता नहीं है, सीटेट की टीजीटी के लिए ही कंडक्ट कराया जाता है, तो टीजीटी के लिए सीटेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। उसी के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन टीचर और सभी सब्जेक्ट की इसमें वैकेंसियां हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस रिक्रूटमेंट के लिए शुरू हो चुकी है। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है दोस्तों, पदों का विवरण देखिए। कुल 1342 पदों के लिए टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियां दी गई हैं। प्रिंसिपल के कुल 110 पद हैं, पीजीटी फिजिक्स के 25 वैकेंसियां हैं, पीजीटी केमिस्ट्री के 25, पीजीटी बायोलॉजी के 22 है, पीजीटी मैथ्स की 35 है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 156 पोस्ट है, पीजीटी कॉमर्स की 17 है, टीजीटी इंग्लिश के 255 है, टीजीटी मैथ की 169 है, टीजीटी साइंस की 92 वैकेंसियां हैं, टीजीटी सोशल स्टडीज की 104, टीजीटी आर्ट की 160, पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के 89 और कंप्यूटर टीचर की 83 वैकेंसियां हैं। कुल पद 1342 है जिनके लिए टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जहां तक एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात है, प्रिंसिपल के लिए मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी 45% अंकों के साथ और बीएड आपने कर रखी हो। प्रिंसिपल पद के लिए इनमें से कोई एक एक्सपीरियंस भी आपके पास होना आवश्यक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सपीरियंस है, इनमें से कोई एक एक्सपीरियंस जरूर से जरूर आपके पास हो। पीजीटी के लिए मास्टर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। अगर आप एससी, एसटी, एससीबीसी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो 45% अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ बैचलर डिग्री इन एजुकेशन मतलब बीएड आपने कर रखी हो। ये कंसर्न सब्जेक्ट है, ये देखिए दोस्तों, ये कंसर्न सब्जेक्ट है। आप वीडियो को रोके कंसर्न सब्जेक्ट देख सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीबीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपने कर रखी हो या बीबीटेक किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखी हो, उसी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखा तो भी आप एलिजिबल है, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपने कर रखे तो भी आप एलिजिबल है, या एमसीए आपने कर रखे तो भी आप एलिजिबल है, या फिर बी लेवल फ्रॉम डोएक आपने कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर सी लेवल DOEACC आपने कर रखा है या NIELIT और ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ उड़िया और इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाए। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी है कंसर्न सब्जेक्ट 50% अंकों के साथ, 45% अंकों के साथ अगर आप एससी, एससी, पीएच या एससीबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो। ये कंसर्न सब्जेक्ट हैं यहाँ दर्शा दिए गए हैं। और जो ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन भुवनेश्वर ओडिशा की तरफ से जारी कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/4/2024 है और लास्ट डेट है ऑनलाइन फीस जमा कराने की वो 2/5/2024 है। बिल्कुल 100% रेगुलर टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोई भी भारत का नागरिक इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पर दोस्तों, यहाँ जो कंडीशन है उड़िया लैंग्वेज की, उसमें भी आपको छूट मिल जाएगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो क्या रिलैक्सेशन है? MIL उड़िया ME स्टैंडर्ड का आपका एग्जाम क्लियर होना आवश्यक है, पर आपको उसमें छूट मिल जाएगी 3 साल की। हाँ जी दोस्तों, आपको ज्वाइनिंग करने के 3 साल के अंदर अंदर ये एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर आपको लगता है 3 साल के अंदर अंदर आप उड़िया सीख के MIL उड़िया का एग्जाम ME स्टैंडर्ड का क्लियर कर सकते हैं तो आप आवेदन कर दीजिए, फिर लैंग्वेज का कोई इश्यू आपके साथ है ही नहीं। बाकी ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपका टेट क्लियर होना भी आवश्यक है, या तो सी टेट या ओ टेट या ओ एस टेट, इनमें से कोई भी एक क्लियर अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस और टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए ओ एस टेट या ओ टेट का पेपर 2 या CBSE के द्वारा जो सी टेट कंडक्ट कराया जाता है उसका पेपर 2, इनमें से कोई एक आपका क्लियर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। अपर एज लिमिट प्रिंसिपल पद के लिए 50 साल निर्धारित की गई है, मिनिमम 32 साल है। प्रिंसिपल के अलावा अन्य पदों के लिए अपर एज लिमिट 38 साल है, मिनिमम एज 21 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में यहाँ छूट भी दी जा रही है। एग्जाम सेंटर
आपके ओडिशा ही रहेंगे, जॉब लोकेशन भी आपकी ओडिशा ही रहेगी। और जहाँ तक एप्लीकेशन फीस की बात है, 2,000 रुपये एप्लीकेशन फीस है प्रिंसिपल पद के लिए अनरिजर्व और SC BC कैंडिडेट्स के लिए। बाकी 1,250 रुपये एप्लीकेशन फीस है SC ST PWBD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। बाकी प्रिंसिपल के अलावा अन्य पदों के लिए एप्लीकेशन फीस 1,500 रुपये है अनरिजर्व SC BC कैंडिडेट्स के लिए और 1,000 रुपये है SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट है ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन की, यहीं पे नोटिफिकेशन के सेक्शन पे आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और यहीं पे आपको इनका लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने का। ये देखिए दोस्तों, ये डिटेल नोटिफिकेशन है, 15 मार्च 2024 को ये जारी किए गए थे और यहीं पे लिंक है ऑनलाइन आवेदन करने का। ये देखिए लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर OMAV, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तक के लिए नमस्कार।